सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो में एंड तक बनना होगा, क्योंकि जो भी बताया हूँ स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ। और मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई 69% कुछ वैसे लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, वीडियो तो डेली देखते हैं मेरे भाई, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को मैं इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करते हैं, हम अपना ओरिजिनल फ़ोटो को ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई हमारा ओरिजिनल फ़ोटो है, और इस फोटो को लेने के बाद मेरे भाई क्या करना है, सबसे पहले तो इसको ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, ऑटोडेस्क स्केचबुक में यहाँ पर हमारा फ़ोटो आ चुका है। और सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से देख लीजिए आप, लाइब्रेरी में आ जाना है। लाइब्रेरी में आने के बाद मेरे भाई सबसे पहले तो आपको एक ब्रश सेलेक्ट करना होगा, जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, हम यहाँ पर हमारा ब्रश आ चुका है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है ना। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ 8 रखना है फॉलो को, और 14% रखना है मेरे भाई स्ट्रेंज को, और साइज अपने फेस के मुताबिक रखिएगा मेरे भाई, जहाँ पर जितना साइज मांगता है ना उतना आप साइज दीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हम दिखा देते हैं, सबसे पहले तो आप अपने फ़ोटो को पूरा अच्छे तरीके से जूम कर लीजिएगा। एंड पूरा अच्छे तरीके से जूम कर लेने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से थोड़ा सा ना इसका साइज को इतना पे रखना होगा। देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ देखिए मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर टैप करके रखिएगा और इधर और उधर कीजिएगा ना, तो आपका मतलब साइज ऑटोमेटिक छोटा और बड़ा होने लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, हमारा फेस स्मूथ हो रहा है बहुत ही भौंकाल तरीके से, आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर भी आप सबको फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ करना है, आराम आराम से मेरे भाई करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। आप जितना आराम से कीजिएगा ना मेरे भाई अपने फेस को स्मूथ, उतना ही भौंकाल तरीके से आपका फेस स्मूथ होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, और यहाँ पर भी अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ से इसका फॉलो कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप फॉलो अपना कम कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका फॉलो को आपको 4% रखना है, ठीक है ना। उसके बाद कट करना है, उसके बाद फिर से यहाँ से अपने फेस के ऊपर चलाना है। तो अब मेरे भाई परफेक्ट तरीके से ना आपका ब्रश चलेगा। तो यहाँ पर चलिए हम मेरे भाई जल्दी जल्दी से फेस को स्मूथ कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा आराम से कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं इसलिए जल्दी में वीडियो बनाता हूँ ना मेरे भाई, कि आप सब मतलब बोर ना हो और ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो मेरे भाई, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं ना, स्मूथ कर लेते हैं। पहले यहाँ पर भी स्मूथ कर लेना, और यहाँ पर भी देख लीजिए, और यहाँ पर भी पूरा अच्छे तरीके से मेरे भाई स्मूथ कीजिए, एकदम आराम आराम से बारीकी से यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। तो मेरे भाई आराम से आप स्मूथ कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर भी बच चुका है, तो यहाँ पर भी हम अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम स्मूथ कर लेते हैं। तो मेरे भाई क्या करना है, यहाँ पर भी हमारा बच चुका है, तो यहाँ पर भी फाइनली हम क्या करते हैं ना, स्मूथ को कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और मेरे भाई आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और मेरे भाई वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइस आता होगा, तो यार सॉरी यार, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉइस है, तो इसके लिए सॉरी, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा आप सभी। तो क्या करना है मेरे भाई, इतना काम हो जाने के बाद इस फोटो को क्या कीजिएगा, यहाँ से सेव कर लीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ से फ़ोटो को सेव हो जाने के बाद आगे का जो ट्रिक बताने वाला हूँ ना मेरे भाई, बहुत ही भौंकाल तरीके से, और वन क्लिक में ना आपका एकदम भौंकाल तरीके से ना मेरे भाई फ़ोटो एडिट हो जाएगा। तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेता है मेरे भाई, क्योंकि आप सबको पता है मेरे भाई, जब भी हमारा फोटो फुल HD क्लियरिटी में होता है तो यहाँ पर टाइम लेता है। और आप सबको पता ही होगा मेरे भाई, ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में फोटो की क्लियरिटी 2 गुना नहीं 3 गुना हो जाती है जब आप स्मूथ करके सेव करते हैं वहाँ से। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से कट करना है, और फिर यहाँ से कट करना है, और इसी फोटो को क्या करना है, ले लेना है। और लेने के बाद मेरे भाई आपको ना डायरेक्ट यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है,
तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं इस फोटो को। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, हमारा ऊपर के साइड में नोटिफिकेशन आ जाएगा। कभी कभी मेरे भाई एक बार में नहीं आता है, दो तीन बार लगा देता है। तो यहाँ आ जाने के बाद मेरे भाई मैं ये वाला अपना पर्सनल प्रीसेट दूंगा, मेरे भाई मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से फाइनली कुछ नहीं करना है, कॉपी सेटिंग करना है, और कॉपी सेटिंग करके मेरे भाई क्या करना है ना, अपने फ़ोटो के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो मेरे भाई देखिए, वन क्लिक में ना कितना भौकाल तरीके से ना आपका फ़ोटो एडिट हो जाएगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।